आयुर्वेद में एक बहुत ही उत्तम औषधि का उल्लेख है जिसका बहुत ही प्रचलित नाम है, जिसको बोलते हैं हम च्यवनप्राश। इसे च्यवन ऋषि ने बनाया था अपने आप को दोबारा युवा करने के लिए, दोबारा यंग बनाने के लिए। लेकिन इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ही गलत तरीके से प्रॉपिगेट हो रहा है और उसमें बहुत सारी चीज़ों के नाम मिलाए जा रहे हैं, जिसमें से सोना चांदी मकर ध्वज जाने क्या क्या बताया जा रहा है। लेकिन जो ओरिजिनल च्यवनप्राश है उसमें इन चीज़ों का कहीं उल्लेख नहीं है। शास्त्रोक्त विधि से बना हुआ च्यवनप्राश आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ताकत देता है, आपको खांसी जुकाम नज़ले जैसी तकलीफ़ों से दूर रखता है। इसके अलावा आपके चेहरे को कांतिमय बनाता है, यानी कि जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर नहीं है, जो श्याम वर्ण है, उनके चेहरे पे भी एक अजीब किस्म का ग्लो लेके आता है और आपको यंग रखता है। इम्पॉर्टेंस इस बात की है कि च्यवनप्राश को शास्त्रोक्त विधि से बनाया गया हो, उसमें किसी तरह का कमर्शलाइजेशन नहीं किया गया हो, सोना चांदी के भ्रम में नहीं पड़िए। और जो प्रॉपर नुस्खा है च्यवनप्राश का, उस विधि से बनाए गए च्यवनप्राश का सेवन आप स्वयं कीजिए, बच्चों को कराइए। इन सर्दियों में हेल्दी रखिए। खास तौर पे च्यवनप्राश की डोज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। च्यवनप्राश के प्रकरण में ये साफ तौर पे उल्लेख किया गया है कि उतनी डोज जिससे आपकी भूख नहीं मिटे, उतने च्यवनप्राश का सेवन करने से आपके शरीर में ये अमृत का कार्य करता है। तो जिन छोटे बच्चों को अगर आपने 1, 2, 3 चम्मच भर भर के खिलाने की आदत डाली हुई है, उसको हटाइए और नोटिस कीजिए कि क्या च्यवनप्राश लेने से आपके बच्चे की भूख पे तो असर नहीं पड़ा है। अगर किसी भी तरह के टॉनिक से बच्चे की भूख कम हो जाती है तो वो उसके लिए डोज ज़्यादा है, उसको आप कम कीजिए। और च्यवनप्राश की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसे शुद्ध रूप में जहाँ से ग्रहण कर सकते हैं कीजिए, और इन सर्दियों में अपनी लाइफ में इसे रूटीन में शामिल कीजिए। ना सिर्फ आपके खांसी जुकाम की तकलीफ़ों को दूर करेगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ताकत देगा, आपको यंग रखेगा, आपकी स्किन को अच्छा रखेगा और आपको युवा बनाए रखेगा।